Good morning everyone. I am Sanjibala from Students to Learn. How are you students? I hope you all are fine. Today we will discuss lesson 4. Generation those things. So let's start children. बच्चों आज हम आपको पशु पक्षियों से संबंधित चूजों से दोस्ती पाठ रीड कराएंगे। इसमें बच्चों पशु पक्षी हैं जो जीव जंतु हैं उन्हें भी प्यार और फटकार में अंतर समझ में आता है, उन्हें भी गुस्सा आता है, वो भी अपनी नाराजगी दिखाना जानते हैं, उन्हें भी भूख प्यास लगती है। तो बच्चों इसमें एक वान्य है, वान्य की मौसी श्वेता मौसी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्य अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था पर धूप नहीं निकली थी, सब लोग उठ चुके थे, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्य को दूध पीने के लिए दिया, नाना और मौसी को चाय दी। चाय पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्य से कहा, दूध पीकर मेरे मैदान में चलना, मेरे साथ मैदान में चलना, चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। बच्चों आपके घर भी हैं पशु पक्षी, आप भी उन्हें पालते हैं। ऐसे ही वान्य थी, उसने पक्षियों से दोस्ती की। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। वान्य भी दूध पी चुका था, अभी मौसी के साथ बाहर आ गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती थी, दड़बे की सफाई करती थी और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती थी। दड़बा लकड़ी और जाले का बना था। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा था, ढकने के लिए एक त्रिपाल भी है। चूजों को बिल्ले बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी भी करते थे। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते सभी चूजे चीची करने लगे और जाली के पास इकट्ठा हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं, सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया, वह पीछे की तरफ मैदान में बैठा रहा। दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है, ये सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। वान्य ने पूछा, तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने कहा, नहीं तो यह सब शैतानी करता है, उसकी पिटाई कर देते हैं, आज भी उसकी पिटाई, इसलिए वह नाराज है। वान्य ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा है। बच्चों जैसे आप लोग नाराज हो जाते हो ना, वैसे पशु पक्षी भी नाराज होते हैं। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाजा खोला, सभी चूजे बाहर निकलने के लिए एक दूसरे को धकियाने लगे। मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक करके बाहर आओ। सभी चूजे सहम कर थोड़ा पीछे हट गए। देखकर वान्य को बहुत मजा आया, वह हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने की, चार पांच चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा, बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। देखकर वान्य ने श्वेता मौसी से कहा, आज यह बाहर नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मानना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उसने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे से बाहर निकालकर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार ही खाओगे, इसलिए अब शैतानी मत करना, चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ में चूजे को दाना खिलाया, तब जाकर उसकी नाराजगी दूर हुई। बच्चों जब कई बार आप लोग भी अपनी मम्मी से नाराज हो जाते हैं, जब तब आप खाना नहीं खाते, पर जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है तो आप भी खा लेते हो। ऐसे ही वो बड़े वाला चूजा था, लेकिन जैसे श्वेता मौसी उसे जमीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने के डल्ले पर डालते वाने, तुम जरा इन दानों को खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वाने ने डलिया ले लिया, मौसी दड़बा साफ करने लगी, वाने चूजों को दाना खिलाने लगी। उसने देखा, जब भी जमीन पर दाना डलता है सबको पीछे धकेलता, बड़ा वाला चूजा सबसे पहले, उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्य को दानों को हथेली में रखा, पहले तो सब चूजे थोड़ा हिस्से, लेकिन जब उसने देखा दाने जमीन पर नहीं रखे जा रहे हैं, तो वान्य की हथेली दाने चुगने लगा। बड़े वाले चूजे लपकने की कोशिश की, वान्य ने हथेली बंद करके उसके सामने, बेचारा चूजा मायूस हो गया। आखिर वान्य को उस पर दया आ गई, वान्य ने उसके लिए कुछ दाने अलग जमीन पर रख दिए। बड़े वाले चूजे ने उन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा, तब वान्य ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली और बर्तन का पानी भी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे के अंदर किया और दरवाजा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्य की चूजों से दोस्ती हो गई और वह हर रोज उन्हें दाना खिलाने का, बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां खत्म होते ही वान्य नाना के गाँव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और अपनी पढ़ाई लिखाई में जुट गया। बच्चों इसी प्रकार आपको भी जानवरों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।